media in this? What is media's role covering the entire? Mohammad Shami. If you have the names with you, you are most welcome to go ahead with your questions to the chairman. I will. Can I repeat the names? Virat Kohli, captain. Rohit Sharma, vice captain. Shikhar Dhawan, KL Rahul, Vijay Shankar, MS Dhoni, wicketkeeper. Kedar Jadhav, Dinesh Karthik, Y. Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, R. Jadeja, Mohammad Shami. That's the Indian World Cup squad for the World Cup 2019. Yes. Rishabh Pant was really tipped to be in the team, but he's missed out here. Could you explain the reasons to us why he was? Well, it's definitely a case where we have debated at length, and all of us in unison, we all felt that either Rishabh Pant or DK will only come into the playing 11 if Mahi is injured. So at that juncture, you know, if it is a crucial match like a quarterfinals, I mean, like a semifinals or an important game, wicket keeping also matters. So that's the reason, that's the only reason why we went ahead with Dinesh Karthik. Otherwise, Rishabh Pant was almost there. Well, in the last 1.5 years, वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. स्क्रीन पर आपके वो चेहरे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे मई में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में, कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, एमएस धोनी विकेटकीपर, बल्लेबाज केदार जाधव हैं, दिनेश कार्तिक. ये अपने आप में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के बीच में एक रेस थी, उसमें बाजी दिनेश कार्तिक ने मारी है. उसके अलावा यजुवेंद्र चहल हैं, कुलदीप यादव हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी. ये वो चेहरे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे टीम इंडिया, जिसे इस साल पूरे वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स कहा जा रहा है. उसी टीम का ऐलान अब से बस कुछ ही मिनटों पहले किया गया, और जो चेहरे जिन खिलाड़ियों को चुना गया है वर्ल्ड कप के लिए, उन सभी को आप अपने स्क्रीन के एक तरफ इस समय देख पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप देखिए तो दो स्पिनर्स साफ साफ दिखाई देते हैं. उसके अलावा पेसर्स, पेस बैटरी की बात अगर की जाए तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार तीनों ही अब काफी एक्सपीरियंस, इंग्लिश कंडीशंस, फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली बताई जाती हैं. तो भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए. और दिनेश कार्तिक, वैसे भी एक बात यहां पर स्पष्ट कर दूं, इस टीम में बहुत ज्यादा जगह थी नहीं, बहुत ज्यादा जगह नहीं थी. दो ही स्पॉट या दो या तीन स्पॉट थे जिनमें एक तरह के कंपटीशन की बात कही जा रही थी. एक तो ये था कि किस सेकंड विकेट कीपर को जगह मिल पाती है इन केस महेंद्र सिंह धोनी को इंजरी होती है. तो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के बीच कांटे की टक्कर थी, और अभी आपने सुना भी हम इसके प्रसाद को कहते हुए, उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत वॉज ऑलमोस्ट देयर, लेकिन उन्हें लगा कि विकेट कीपिंग स्किल्स को भी तरजीह दी जानी चाहिए, और इसी को देखते हुए दिनेश कार्तिक के एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया, अहम समझा गया. इसके अलावा विजय शंकर को बतौर ऑलराउंडर चुना गया है. विराट कोहली इस टीम के कप्तान हैं, और इस टीम पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक तरफ आपको एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का साफ साफ मिक्स दिखाई देगा. किसी तरह का कोई एडवेंचर या कोई एक्सपेरिमेंट इस टीम के साथ किया नहीं गया है. हालांकि कयास बीच में यह भी लगे कि आईपीएल परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि टीम का ऐलान आईपीएल के बीच में हो रहा है, लेकिन भारतीय सेलेक्टर्स की तरफ से तब यह भी साफ कर दिया गया था कि आईपीएल में जो परफॉर्मेंस है उसे नहीं कंसीडर किया जाएगा. इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, उसी के आधार पर वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन होगा. और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ गए हैं इंडियन सेलेक्टर्स, क्योंकि अगर आपको 2015 का वर्ल्ड कप याद हो तो कई सारे चेहरे आपको इस टीम में वही दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आपने 2015 में भी देखा था. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं. जी न्यूज पर खबरें जा रही है.